Once again, back on public demand. Let me see your energy. शुरुआत होती है एक गैस स्टेशन को दिखाते हुए जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है और वहाँ काम करने वाला एक आदमी चेयर पर बैठकर चिप्स खा रहा था कि तभी उसे पीछे झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही वहाँ देखने के लिए जाता है कोई अजीब पागल जानवर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल सैम जो कि एक PhD स्टूडेंट है और पोली को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ कैंपिंग के लिए जंगलों में आए हुए थे। अब कैंपिंग सिर्फ पोली को पसंद थी, सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बल्कि वो मोटेल जाना चाहता था। खैर जब वो टेंट लगा रहे होते हैं तो सैम के ज्यादा जोर लगाने से टेंट टूट जाता है, जिसके बाद पोली भी मोटेल जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम इसी जंगल में एक और कपल को देखते हैं। इनमें से डेनिस जो कि जेल से भागा हुआ कैदी है और उसकी गर्लफ्रेंड लेसी जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। इन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है जिस कारण वो उसे धकेल कर साइड में कर देते हैं। इधर गाड़ी से जाते हुए पोली और सैम को लेसी दिखाई देती है जो कि उनसे लिफ्ट मांग रही थी। वो गाड़ी रोक कर डिसाइड करती है कि क्या उन्हें किसी अजनबी को लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं, लेकिन तभी डेनिस वहां आता है और गन पॉइंट पर लेकर इन दोनों को हॉस्टेज बना लेता है। इसके बाद डेनिस सैम से गाड़ी चलाने के लिए कहता है और सैम कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये सुनकर डेनिस पोली को कार चलाने बोलता है और इससे पहले डेनिस उनके फोन निकालकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि वो लोग पुलिस से कॉन्टेक्ट ना कर सके। अब ये आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के नीचे एक जानवर आ जाता है और गाड़ी का टायर फट जाता है। इसके बाद डेनिस सैम को टायर चेंज करने के लिए कहता है पर सैम कहता है कि मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। इसीलिए अब डेनिस लेसी को सैम के साथ उस जानवर को देखने के लिए भेजता है जिस पर इन्होंने अभी कार चढ़ा दी थी और वो खुद पोली के साथ में टायर बदलने लगता है। तभी उसके हाथ में एक नुकीली सी चीज चुभ जाती है जो उस टायर में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ लेसी और सैम उस जानवर को देख रहे होते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ था, लेकिन ये नशेड़ी लड़की लेसी सैम को गन पॉइंट पर रखकर इस जानवर की मदद करने के लिए बोलती है। सैम जैसे ही अपना हाथ उस जानवर के पास लेकर जाता है वो जानवर हिलने लगता है जैसे कि वो खुद को हील कर रहा हो, लेकिन तभी ये चीज बहुत तेजी से मूव होने लगती है जिससे डर कर लेसी उसमें गोलियां मारती है और भाग कर कार में बैठ जाती है। जिसके बाद डेनिस पोली को धमकी देता है और कार चलाने बोलता है, पर अभी तक सैम कार में नहीं बैठा था इसलिए पोली कहती है कि जब तक सैम नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ देर में सैम अगर बैठ जाता है जिसके बाद ये यहां से निकल जाते हैं और पीछे हम उस टायर को देखते हैं जिसमें से स्पाइक्स यानी कि नुकीले कांटे निकल रहे थे। लेसी को डरा हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड डेनिस उसे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर वो बताती है कि उसे अजीब से दिखने वाले जानवर में कुछ अजीब था जो उस पर हमला करने वाला था। अब डेनिस को लगता है कि काफी टाइम से ड्रग ना लेने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बौखला गई है। अब डेनिस पोली को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है और गाड़ी तेज चलाने की वजह से इंजन गर्म हो जाता है और इनकी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन इनकी गाड़ी उसी गैस स्टेशन पर आकर रुकी थी जहाँ गैस स्टेशन पर काम करने वाले पर एक पागल जानवर ने हमला कर दिया था। खैर लेसी और डेनिस के बीच में कुछ बहस हो जाती है क्योंकि वो लेसी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो गुस्सा होकर गाड़ी से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ डेनिस सैम से कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें फ्यूल भरना भी नहीं आता। सैम कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्यूल भर सकता हूँ। इसके बाद डेनिस और पोली सौथ के अंदर जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था और इसीलिए डेनिस चीजों को वहाँ से बिना परमिशन उठाकर खाने लगता है, लेकिन तभी पोली को वहाँ एक फोन दिखाई देता है और वहीं बाहर की तरफ सैम गाड़ी में गैस भरने के बाद उसे साफ कर रहा था और लेसी वॉशरूम का गेट खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक था। वो जोरों जोरों से गेट को पीटने लगती है और जैसे ही गेट खुलता है तो वो देखती है कि एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी से कुछ नुकीली सी चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने टायर्स और उस कुचले हुए जानवर पर देखे थे और इन्हें ही मूवी में स्प्लिंटर कहा गया है जो कि एक तरह का फंगस है। खैर लेसी आकर डेनिस को बताती है कि मैंने वॉशरूम में बहुत अजीब सा स्पाइक वाला आदमी देखा, पर डेनिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे शॉप के अंदर जाने के लिए बोलता है। पर तभी वो स्पाइक्स वाला आदमी उसकी तरफ आता है और वो लेसी का पैर पकड़ लेता है और डेनिस लेसी की हेल्प करने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता, जिस वजह से लेसी की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद डेनिस समझ जाता है कि लेसी जो कह रही थी वो सच था। वो नए हैं चैनल पर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहां तक देखो तुम्हारे इस कंजूस दुनिया में कोई नहीं भाई, फ्री होता है सब्सक्राइब करना, पैसा भी नहीं लगता। पता है अगर तुम लोग चाहो मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा बाद में तो तुम अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हारा माइंड तुम अपना चेंज कर सकते हो, बट नहीं तुमको सब्सक्राइब नहीं करना है भाई, बिना सब्सक्राइब किए कमेंट कर दो, शर्म करो भाई। तभी वो स्प्लिंटर वाला आदमी सैम की तरफ बढ़ने लगता है पर जैसे तैसे करके सैम और डेनिस भाग कर शॉप में चले आते हैं जहाँ पुलिस शॉप वाली फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस फोन को लेकर तोड़ देता है क्योंकि अगर पुलिस आई तो वो डेनिस को पकड़कर यहाँ से ले जाएंगे क्योंकि वो भागा हुआ कैदी है। लेकिन पोली उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने पुलिस को नहीं बताया तो बाहर खड़ी वो चीज हम सबको मार डालेगी, पर डेनिस उसकी एक भी बात नहीं सुनता जिसके बाद वो शॉप के काउंटर पर जाकर कैश निकालने लग जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ एक कैमरा दिखाई देता है और वो जाकर उसकी वीडियो फुटेज देखता है जहाँ उसे मॉनिटर पर लेसी की बॉडी हिलती डुलती दिखाई देती है और उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है। अब वो उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर जा ही रहा होता है कि सैम कहता है कि अगर गाड़ी पे पड़ा हुआ स्प्लिंटर अगर थोड़ा सा भी मूव हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे या तुम्हें कुछ भी हुआ तो हम गेट बंद कर लेंगे और तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। इस पर डेनिस सहमत हो जाता है और वो बाहर जाकर लेसी को खींचकर अंदर की तरफ लाने लगता है, लेकिन तभी लेसी उसे पकड़ लेती है और हमला करने लगती है जिसके बाद सैम डेनिस को अंदर की तरफ खींचकर गेट बंद कर देता है, लेकिन उसके साथ लेसी का हाथ भी पूरी तरह से कटकर अंदर आ जाता है पर वो हाथ अभी भी चल रहा था और ये देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं। खैर सैम उसके हाथ को कुचल देता है जिससे ब्लैक कलर का एक अजीब सा लिक्विड निकलता है जो कि स्प्लिंटर बना रहा था और यहां सैम एक्सप्लेन
करता है कि जो भी ये चीज है वो एक तरह का फंगस है जो खून पर जीता है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद एक ब्लैक सब्सटेंस निकालता है। तभी उन्हें आवाज आती है। वो देखते हैं कि लेसी अपना सर ग्लास में मारकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जहां अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी हालत में देखकर डेनिस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। पर ये उसे समझाते हैं कि वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद ये अंदर की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे। जैसे तैसे करके ये दरवाजे को खोलते हैं, पर यहां एक और दरवाजा था जो कि लॉक था। तभी इन्हें एहसास होता है कि लेसी ऊपर से होते हुए पीछे की तरफ आ रही है। इसके बाद ये लोग फिर से दरवाजे को लगा देते हैं, लेकिन तभी वहां पर अचानक से पुलिस ऑफिसर स्टोर के बाहर आ जाती है और डेनिस को गन पॉइंट पर रखकर बाहर आने के लिए कहती है, जहां वो लोग अंदर से ही कहते हैं कि बाहर खतरा है और वो जाकर अपनी गाड़ी में चली जाए। पर ये पुलिस ऑफिसर इनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि तुम इस तरह किसी के स्टोर में नहीं घुस सकते। लेकिन तभी स्प्लिंटर पुलिस ऑफिसर को ऊपर की तरफ खींचकर पूरे दो टुकड़ों में बांट देता है। अब एक झलक हम डेनिस की भी देखते हैं, जिसे टायर पर से स्पाइक चुभ गया था और अब उसकी वजह से स्प्लिंटर फंगस उसकी बॉडी में फैलने लग गया था। पर डेनिस इन दोनों को इस बारे में पता नहीं लगने देता। खैर, यहाँ पर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगर किसी तरह से बाहर गाड़ी को आग लगा दी जाए तो पुलिस को लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लग गई है और वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। और ये प्लान पोली को काफी पसंद आता है। इसके बाद डेनिस पीछे के गेट से पेट्रोल बहाने लगता है, पर सैम कहता है कि अगर गलती से भी गैस स्टेशन में आग लग गई तो हम सब बिना मतलब मारे जाएंगे। तभी सैम को बाहर से पुलिस ऑफिसर के रेडियो की आवाज आती है, जिसकी मदद से ये हेल्प मंगा सकते थे। इसीलिए सैम उसे खींचने के लिए तारों को जोड़कर बाहर की तरफ डालता है। लेकिन अचानक से लेसी रेडियो के वायर पर आ गिरती है और सैम तार को अंदर की तरफ खींचने लगता है। और इसी दौरान लेसी का हाथ टूट कर अंदर आ जाता है और वो उन पर अटैक करने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। पर ये लोग किसी तरह भाग कर फ्रिज वाले एरिया में जाकर छुप जाते हैं, जहां अंदर लेसी का हाथ नहीं आता। तभी डेनिस का हाथ अपने आप ही मूव करने लगता है और वो फंगस पूरी तरह से उसके हाथ में फैल चुका था। और अब यहां उसका हाथ पूरी तरह अपने आप ही टूटने लगता है, जिससे डेनिस दर्द से जूझने लगता है। इसीलिए वो अपने हाथ को काटने की सोचता है और एक छोटे से चाकू से अपना हाथ काटने भी लगता है, पर वो ये नहीं कर पाता। इसीलिए सैम उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ काट कर तोड़ देता है, जो बहुत दर्दनाक था। पर इस बार डेनिस का फंगस इन्फेक्टेड हाथ इन पर अटैक नहीं कर रहा था। ये नोटिस करते हैं कि हाथ अब इन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। दरअसल स्प्लिंटर हीट यानी गर्म चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। डेनिस का हाथ इसीलिए मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग फ्रीज यानी कि ठंडी जगह में थे। और सब कुछ जानने और सोचने समझने के बाद सैम प्लान बनाता है और अपने डॉक्टर वाले ज्ञान का यूज करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कम करके पुलिस की गाड़ी की तरफ जाने लगता है, ताकि वो हेल्प मंगा सके। वहीं दूसरी तरफ पोली पीछे से गेट के बाहर क्रैकर्स जलाकर फेंकती है, जिससे स्प्लिंटर पटाखों की तरफ आए। इधर सैम को ठंड लगने के कारण वो कांप रहा था, जिससे बर्फ का बैग उसके हाथों से छूट जाता है और इसी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होने लगता है। सैम जैसे तैसे करके कार में बैठ तो जाता है, पर स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आने लगी थी। लेकिन तभी पोली उसे देख लेती है और चिल्लाकर सैम को वार्न कर देती है, जिससे सैम स्प्लिंटर के अटैक करने से पहले ही कार का दरवाजा लॉक कर लेता है। और तभी डेनिस क्रैकर अपने हाथ में लेकर बाहर आता है और फेंकता है, जिससे स्प्लिंटर उसकी तरफ बढ़ता है और ये स्टोर के अंदर जाकर उन दोनों पर हमला करता है। इधर सैम पुलिस कार से गन लाकर स्प्लिंटर को शूट करने लगता है। इसी के साथ वो कटा हुआ हाथ भी इन पर अटैक करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं कर पाता बल्कि पटाखों की लगी हुई आग में जल जाता है। इसके बाद डेनिस सैम से गन ले लेता है और सैम और उसकी गर्लफ्रेंड पोली को बाहर जाने के लिए बोलता है, और वो खुद बिना अपनी जान की परवाह किए स्प्लिंटर को शूट करते हुए आग की तरफ निकल जाता है। तभी उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती है और स्प्लिंटर उस पर अटैक करने लगता है। डेनिस वहां पर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब यहां डेनिस सैम और पोली को एक बैंक अकाउंट की चाबी देता है, ताकि ये लोग इस चाबी को उस आदमी की वाइफ को दे सके जिसके हस्बैंड को डेनिस ने ही मार डाला था। इसके बाद डेनिस इन दोनों को जाने के लिए बोलता है और शॉटगन लोड करके यहां पर रखे डीजल टैंक में गोली चला देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डेनिस के साथ साथ वो स्प्लिंटर भी आग में जलकर खाक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोली और सैम पैदल चलते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फैक्ट है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।